फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, मरहबा, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। और अभी हम आए हुए हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपनी यूनिवर्सिटी। आज हम मुझे रात में मेरे वन ऑफ द फ्रेंड्स की वजह से पता चला कि जामिया में 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मैंने ये रेंडमली प्लान बनाया। मैं सुबह उठा, मैं बोला क्यों नहीं, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं चलता हूँ जामिया में, चल के वहाँ पे 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो लेट्स गो। फाइनली फ्लैग होस्टिंग हो चुकी है और सारे लोग जा चुके हैं ऑडिटोरियम की तरफ। पहले मुझे ये लगा था कि जो प्रोग्राम हो रहा है वो अंसारी ऑडिटोरियम के अंदर होगा, फिर बाद में पता चला नहीं, अंसारी ऑडिटोरियम लॉन में होगा जो कि उसके सामने लॉन है। क्योंकि कोविड चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। बहुत ही लिमिटेड लोग आए थे, बहुत ही कम स्टूडेंट्स भी थे। तो चलिए हम सीधे लॉन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं सीन्स। Day is very special to all of us in a sense that we are not only celebrating 74th Independence Day, but we are in a century celebration. Jamia has completed 100 years in this year, and I am very proud to share. We all know, but still, let me reiterate that we are in the top best universities of the country. And sir, recently in the as a registrar. He is an officer of Additional Director General Police. A dynamic administrator and very humble teacher and person. Sir, I welcome you to this. Not only to celebrate our achievement, to acknowledge the sacrifices made by our freedom fighters, our founding fathers, and all those unsung heroes who contributed in the might of the nation, in the progress, development, and the sacrifices. Oh,
कर दिया है। इन दिनों एक बहुत सम्मानित शब्द प्रचलन में है, कोरोना वॉरियर। ये जाबाज लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों लाखों इंसानों की सेवा में लगे हुए हैं। इनके इस हौसले और महान जज्बे को सलाम। दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। इस मंच से मैं श्रद्धांजलि पेश करना चाहूंगी बेगम हजरत महल झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, शेर मैसूर टीपू सुल्तान, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, शहीद अशफाकुल्ला खान और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने क्रांति की मशाल जलाकर आजाद भारत की नींव रखी। ये तो फाइनली हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हुआ। काफ़ी छोटा प्रोग्राम था क्योंकि सबको पता है कोविड-19 की वजह से हर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में रहना चाह रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग में आपको रहना पड़ रहा है, तो बहुत ही लिमिटेड लोग आए थे जिनको स्पेशली बुलाया गया था, और कुछ NCC के बच्चे थे उसमें और कुछ जामिया मिलिया इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जामिया मिडिल स्कूल के बच्चे थे, जो कि कुछ प्रेडिक्ट सॉन्ग्स वगैरह और कुछ स्पीच वगैरह तैयार किए थे। मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं, अब मैं जामिया आया हूँ तो आपको मैं कुछ दिखाता हूँ जो कि बहुत ही महंगा है। जामिया की एक तरह से शान है क्योंकि INS कोलकाता ये लास्ट ईयर जामिया में लगा था, जिसको ओपनिंग हमारे VC प्रोफेसर नज़मा अख्तर मैम ने किया था। तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा शिप है यार, मतलब देख कर ही मज़ा। तो उसके सेफ्टी के लिए पूरे पहले बाहर से तो उसे पैक किया गया है। फाइनली हमारा प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है, और वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। और जब भी ये 15 अगस्त होता है ना यार, मुझे अपना स्कूल याद आता है। जब हम छोटे हुआ करते थे, जब हमें समझ नहीं थी कि वाकई में 15 अगस्त है क्या, तब हम काफ़ी एक्साइटेड होते थे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उस समय हमें याद आता था यार स्कूल जाएंगे आज तो हमें मिठाइयाँ मिलेंगी, हम इंजॉय करेंगे, क्योंकि आज के दिन कोई पढ़ाई नहीं होती थी, सिर्फ इंजॉय होता था, प्रोग्राम वगैरह होता था, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते थे, स्पीचेस होते थे, नाटक हुआ करते थे। तो उस समय हम काफ़ी एक्साइटेड रहते थे, एक हफ्ते पहले से हमारी प्लानिंग होती थी कि ये चीज़ें लेना है, ऐसे करना है, 15 अगस्त आ रहा है, ये पहन कर स्कूल जाना है। तो आज मैं आया यार, तो वही सारी चीज़ें याद आने लगी यार, जब हम बच्चे हुआ करते थे तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। फिर जब मैं रिफ़्रेशमेंट लिया तो मुझे अपने स्कूल की रिफ़्रेशमेंट याद आने लगा कि यार ऐसे ही लाइन में लग के हम रिफ़्रेशमेंट लिया करते थे। फिर उस रिफ़्रेशमेंट की इतनी खुशी हुआ करती थी कि उसमें से हम खा भी लेते थे, घर भी लेके चले जाते थे। तो यार मिसिंग दोज डेज। लेकिन जो भी है यार, जामिया में आज आकर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे से ब्लॉग भी शूट किया। शुरू में तो थोड़ा एंट्री में काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि लिमिटेड लोगों को ही अलाउ था, तो वो जानने वाले थे। फिर मैंने अपना जामिया का आई कार्ड दिखाया, उसके बाद से हमें एंट्री फाइनली मिल गई थी, अच्छे से ब्लॉग भी शूट हुआ। लेकिन हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बहुत ही ख्याल रखना पड़ा लेंसेज वगैरह, क्योंकि फंगस वगैरह होने के डर होते हैं। तो बस यही था यार आज के प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, यू होप गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड कमेंट। अभी मैं घर पहुँचा हुआ, घर पहुँचने पे मुझे ध्यान आया है कि प्लीज़ स्टे सेफ एट होम, और अपना ख्याल रखें और घर पे रहें। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं ये कहना चाहता हूँ
कि यार आज 15 अगस्त सेलिब्रेट करना या मत करना, लेकिन कल ज़रूर घर से बाहर निकलना और रोड पे कहीं भी अगर हमारे देश का तिरंगा अगर गिरा हुआ हो तो प्लीज़ उसे उठाकर कहीं रख देना। इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि कहीं रोड पे पड़ा हुआ ना हो, क्योंकि ये जो तिरंगा है वो हमारा गुरूर है, ना हम उसे कभी झुकने दे सकते हैं ना कभी गिरने दे सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें और घर पे रहे, सेफ रहे, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और मैं घर पे पहुंचने के बाद ये मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचा कि नहीं ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हर बार होता है लोग आज जोश जोश में तिरंगा खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसे फेंक देते हैं, कहीं गिर जाता है, लोग उस बातों का ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए मैंने सोचा कि बताना बहुत ज़रूरी है कि इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें, और कहीं भी गिरा हुआ मिले तो प्लीज़ आप उसे उठाकर कहीं अच्छे जगह उसे रखें, क्योंकि ये हमारा गुरूर है, ये हमारे देश का नाज है, ये हमारा तिरंगा है। थैंक यू सो मच।